हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, 20-30% महिलाओं को प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं फील होते हैं। जी हाँ, ये सच है। और आज हम प्रेगनेंसी सिम्टम्स से जुड़ी ही बात जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन सिम्टम नहीं फील होते हैं, तो वो घबरा जाती हैं कि क्या ये मेरे लिए गलत है, क्या ये मेरी प्रेगनेंसी के लिए गलत है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप सभी के दिमाग में भी होंगे प्रेगनेंसी सिम्टम्स और प्रेगनेंसी को लेके। तो आज हम इसी विषय पे पूरी बात करने वाले हैं कि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्यों नहीं होते हैं, क्या ये सही है या फिर इससे बच्चे को, आपकी प्रेगनेंसी को कोई ख़तरा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, HCG लेवल। जब प्रेगनेंसी ठहरती है एक महिला को, तो जैसे ही गर्भ आरोपित होता है, उसके बच्चेदानी में गर्भ चिपकता है, तो HCG नाम का हार्मोन बनना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, जब बहुत अर्ली फेज होता है प्रेगनेंसी का, 4 हफ्ते से भी कम का फेज जब अगर हम कंसीडर करें, तो ऐसे समय में कई बार बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी सिम्टम्स बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि कई बार जिन महिलाओं को दूसरी प्रेगनेंसी होती है, दूसरी बार जो माँ बनने वाली होती हैं, उनके साथ ऐसा होता है। HCG लेवल, प्रेगनेंसी सिम्टम्स और HCG लेवल दोनों का खास कनेक्शन है। कैसे? क्योंकि सिम्टम तभी अपीयर होते हैं जब आपका HCG का लेवल बढ़ता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो सिम्टम प्रकट होते हैं, आते हैं, आपको महसूस होता है, पेट से सर में चक्कर आना या मूड स्विंग का होना, पेट में गड़बड़ होना या वॉमिटिंग का आना या मूड स्विंग का होना, ये सारी चीज़ें इस एक हार्मोन की वजह से होती हैं। तो अगर HCG का लेवल अभी कम है, अभी कम HCG बन रहा है, तो भी आपको प्रेग्नेंट होते हुए भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, और ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही समय के साथ HCG का लेवल बढ़ेगा, आपको सिम्टम्स फील होंगे। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। कुछ महिलाओं का शरीर इम्यून होता है चेंजेस के लिए, जिसको अगर हम सामान्य तरीके से देखें तो उसके शरीर पे बहुत जल्दी छोटे मोटे सिम्टम्स का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसा तब होता है जब महिला दूसरी बार गर्भवती होती है, दूसरी बार कंसीव करती है, क्योंकि जब पहली प्रेगनेंसी में वो हार्मोन बने तो शरीर ने उनको अनुभव किया और अब शरीर एडजस्ट कर चुका है उन हार्मोन के साथ में। तो कई बार मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि दूसरी प्रेगनेंसी में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं आते हैं, उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी कि उनको पहली प्रेगनेंसी में उठानी पड़ी थी। बस इतनी बात है कि महिला का शरीर उन बदलावों के प्रति, उन हार्मोन्स के प्रति अनुभव ले चुका है। और साथ ही प्रत्येक महिला की बॉडी टाइप और बिल्डअप पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तीसरी बात ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी, फ्रेंड्स आपने भूरे रंग का जूट का बोरी, जिसको हम कहते हैं जूट बैग, देखा होगा, क्योंकि जब वो नया होता है और उसमें आप अनाज भर दें, चावल या गेहूँ भरते हैं, तो पहली बार जब आप भरते हैं तो वो प्लेन होता है, लेकिन उसको खाली करने के बाद जब आप उसको देखते हैं, अनाज खाली करने के बाद, तो उसका शेप बदल चुका होता है, और खाली होने के बावजूद भी वो उस स्टेट में नहीं आ पाता जो कि वो पहली बार यूज़ करने से पहले था। तो बिल्कुल महिला का शरीर भी इसी तरीके से है। जब पहली बार एक महिला माँ बनी तो उसका शरीर उन बदलावों के लिए बिल्कुल नया था, तो बहुत सारे बदलाव उसने देखे और उसके प्रति रिएक्ट किया, बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में आए। लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई तो ऑलरेडी उन चीज़ों को वो झेल चुका था। ये बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है कि सेम चेंजेस के लिए दूसरी बार बॉडी उतना रिएक्ट नहीं करेगी। हमारे साथ भी यही होता है, जब हम एक चीज़ को एक बार जान चुके होते हैं तो दूसरी बार हमें उस चीज़ से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम उतना नहीं फील कर पाते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी भी एक फैक्टर होता है महिला की प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम्स फील ना होने का। अब हम तीसरा पॉइंट जानेंगे। फ्रेंड्स, लगभग 4 हफ्ते तक, यानी कि 1 महीने तक, एक महिला को अक्सर नहीं पता चल पाता कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि हल्के फुल्के बदलाव होते हैं, महिलाएं अगर व्यस्त हैं तो उसको नोटिस भी नहीं कर पाती हैं। तो 4 हफ्ते तक अगर HCG का लेवल सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा है तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, आपको सभी जाँचें करवानी चाहिए डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, क्योंकि 4 हफ्ते तक कम उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद में HCG के लेवल में रैपिड चेंजेस आते हैं और जो नोटिस होना ज़रूरी है, और जैसे ही HCG का लेवल बढ़ता है शरीर में सिम्टम आना
स्वाभाविक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रेगनेंसी होने पे सिम्टम आने या न आने से रिलेटेड बातें। तो फ्रेंड्स, ये थी कि प्रेगनेंसी होने पर सिम्टम आने या न आने से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को जानने के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी को सही तरीके से डील कर पाएंगी। तो इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली पे। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ।